वेलकम टू अवर चैनल ट्रिपली डिलाइट्स। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बनाएंगे फलाहारी रोल। पर उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपली डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूले। तो फलाहारी रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। रोल बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे उबले हुए आलू है। आलू को हमें मैश करके रखा हुआ है। सिंघाड़े का आटा, 2 टेबल स्पून कुटू का आटा मैं यूज कर रही हूँ, ऑप्शनल है, पूरी तरह से आप स्किप भी कर सकते हैं। धनिया पत्ती, और मसाले में हमें चाहिए काली मिर्च पिसी हुई, कुटी लाल मिर्च, कसूरी मेथी, सेंधा नमक, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और जीरा पाउडर। तो रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम रोल के लिए आलू की एक बाइंडिंग तैयार कर लेते हैं, डो बना के एक रख लेते हैं जिससे कि हम रोल बनाएंगे। सबसे पहले आलू में ये काली मिर्च डालेंगे पिसी हुई, थोड़ी सी यहाँ पे मैं कुटी लाल मिर्च भी यूज करूंगी इसमें। थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी, थोड़ा सा ये जीरा पाउडर, साथ ही साथ अमचूर पाउडर डालूंगी और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ही हमें ऐड करना है, और साथ ही साथ धनिया पत्ती इसमें डाल दूंगी और इन सभी चीजों को अच्छे से हम मैश कर लेंगे। रोल के लिए ये आलू का डो बना के हमने रेडी किया है, तो इसे हम साइड से रखेंगे और एक दूसरे बाउल में, क्योंकि सिंघाड़े के आटे की हम कोटिंग करेंगे ऊपर से, तो सिंघाड़े का आटा लेंगे, थोड़ा सा कुटू का आटा, साथ ही साथ धनिया पत्ती इसमें डालेंगे, और ये कसूरी मेथी भी इसमें हम डाल देंगे। थोड़ा सा नमक हम इसमें भी डालेंगे, बहुत ध्यान से हमें नमक डालना है क्योंकि ऑलरेडी आलू में हमने नमक डाला हुआ है अभी। अब जरा सी बिल्कुल कुटी लाल मिर्च इसमें ऐड करेंगे, हल्का हल्का सा पानी डाल के थोड़ा सा गाढ़ा घोल इसका बना के हम रेडी करेंगे। और ये इसका भी घोल बना के हमने रेडी कर लिया है कोटिंग के लिए। तो अब साथ ही साथ हम रोल बनाना भी स्टार्ट करेंगे, उसको साइड में रखेंगे। पहले एक प्लेट में सारे रोल्स बना के हम रख लेंगे। तो सबसे पहले हाथ में हल्का सा हम ऑयल लगा लेंगे ताकि बिल्कुल भी आलू हाथ में ना चिपके, इस तरह से हाथों को ग्रीस कर लेंगे। और साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप कितना बड़ा साइज चाहते हो। और इस तरह से आप रोल के शेप में भी इसको कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो छोटी छोटी बॉल्स बना के भी, इस तरह से गोल गोल से छोटी छोटी बॉल्स बना के भी रख सकते हैं, पर मैं यहाँ पे रोल्स की तरह इसको बना रही हूँ। ये इतने इतने बड़े से मैं रोल्स बनाऊंगी, देखिए इस तरह से मैं बना बना के रख रही हूँ प्लेट में। और ये रोल बना के हमने रेडी कर लिए हैं, साथ ही साथ ऑयल भी हमने गरम कर लिया है, तो अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे रोल को। सबसे पहले इस तरह से रोल को उठा के, और ये जो बैटर हमने बना के रखा हुआ है इसमें हम डिप करेंगे। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया तरह से कोटिंग हुई है, इसलिए बहुत ज्यादा पतला बैटर हमने नहीं रखा था। और इसमें एक एक करके हम डालेंगे, मीडियम गैस पे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक रोल को फ्राई करना है। और ये व्रत में बहुत ही एक अच्छा स्नैक बन के रेडी होता है, क्योंकि लोग व्रत रहते हैं पूरा 9 दिन का, तो रोज रोज फिर सोचते हैं कि आज कुछ नया बना के खाया जाए, तो आप एक बार इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। और एक बार में इस तरह से जितने रोल आ जाएंगे उतना आसानी से हम फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए रोल्स का बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है, तो इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से और भी रोल हम फ्राई कर लेंगे।
फलाहारी रोल बन के रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।